2 किलो जाकर गोबर करता है, जो कि हर सुबह पोटी बार शौम करता है। अरे हो सकता है उस घर में बाथरूम ही ना हो, यही पोटी बार शौम सोच रहा होता है। तभी बुल्ली गुल्ली से बताता है कि रात को पोटी बार शौम ने मुझे कॉल की थी और मुझे कहा था कि सुबह मैंने अपना घर देखने के लिए जाना है। अभी पोटी बार शौम न्यू घर खरीद रहा है और उसने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसे अकेले डर लगता है। और हाँ, हो सके तो तुम भी मेरे साथ चलो। तभी गुल्ली आगे से कहता है, अरे भाई तुम्हें पता तो है मुझे कितने काम हैं, अभी मुझे जॉब पर जाना है। एक काम करो, तुम ही उसी के साथ चले जाओ और हाँ, शाम से पहले आ जाना, क्योंकि घर की सफाई तुम्हें ही करनी है, आज तुम्हारी बारी है। और यही बात कहते हुए गुल्ली अंदर की तरफ चला जाता है और साफ साफ इनकार कर देता है गुल्ली के साथ जाने के लिए। और तभी गुल्ली हंसते हुए कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ और सफाई भी कर दूंगा, तुम नाराज ना हो मेरे साथ। और तभी अपना गुल्ली जीप निकालता है और पोटी बार शौम के घर की तरफ निकल जाता है। इधर अपना पोटी बार शौम पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और फिर गुल्ली का इंतजार करने लगता है। और इधर गुल्ली भी पोटी बार शौम की सिटी में आ जाता है। अरे ये सिटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मसला ये है कि पोटी बार शौम की राय पर रहता है और किराया भर भर कर पोटी बार शौम आधा हो गया है, इसलिए पोटी बार शौम अब अपना घर खरीदना चाहता है। तभी वहां पर गुल्ली भी पहुंच जाता है और पोटी बार शौम की तरफ बढ़ने लगता है। और पोटी बार शौम तो बिल्कुल रेडी था चलने के लिए। और तभी गुल्ली पोटी बार शौम से कहता है, अरे यार सॉरी, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ यार, वो मैं गुल्ली से बात करने लग गया था। और तभी पोटी बार शौम कहता है, अरे भाई गुल्ली कहाँ है, मैंने कहा था गुल्ली को भी साथ लेके आना है और तुम अकेले मुंह उठाए आ गए। तुम्हें पता तो है जहाँ भी हम नई जगह पर जाते हैं हम तीनों मिलकर जाते हैं, और आज हम दोनों कैसे जा सकते हैं। और तभी गुल्ली कहता है, अरे भाई तुम परेशान ना हो यार, उसकी मजबूरी बन गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका, उसे अभी अभी तो नई जॉब मिली है और उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, अगर वो एक भी छुट्टी कर ले तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। तभी पोटी बार शौम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो चाहता था कि हम तीनों मिलकर जाएं और वहाँ पर विजिट भी करें और साथ में पार्टी भी करें। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और फिर गुल्ली और पोटी बार शौम बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर गुल्ली की जीप में निकल पड़ते हैं पोटी बार शौम का घर देखने के लिए। अपना गुल्ली बहुत ही ज्यादा स्पीड से जीप चला रहा था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या ये घर पोटी बार शौम खरीद लेगा या फिर